स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं इंदु कुमारी, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत युद्ध स्तर पर जारी। पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू अभूतपूर्व सफल रहा, सड़कें वीरान रही। शाम 5 बजते ही लोगों ने तालियां घंटी बजाकर आपातकालीन सेवाएं दे रहे लोगों का हौसला अफजाही करते हुए आभार प्रकट किया। चौक चौराहे पर पुलिस मुस्तैद रही और घर से बाहर निकले लोगों को डंडे से पीटा गया। रात मुंबई से आए हुए हैं और क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट एकदम पूरे बंद है तो ये लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जमशेदपुर नोटिफाइड की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से इन्हें चेक करेंगे और इनको हम देखेंगे कि क्या इनमें कोई बीमारी है, खांसी बुखार का लक्षण है या नहीं है, और फिर इनको हम सुरक्षित एक व्यवस्था दे देंगे ताकि आज रात भर तक ये लोग सुरक्षित रहें। उसके बाद मेडिकल टीम अभी आ रही है, मेडिकल टीम इनकी जांच करके फिर इनको गंतव्य स्थान पहुंचाने की व्यवस्था कर देगी जिला प्रशासन को। क्या नाम है उसका? रवि भारती सिटी मैनेजर। इनको कहाँ ले जाया जाएगा अभी? मालूम देख रहे हैं कि शेल्टर हाउस हमारे पास है। ये खाना भी नहीं दिखाया तुम लोग। चांदिल में बिजली विभाग की लापरवाही से तुइलुंग के ग्रामीण अपने घरों में बिना बिजली के रहने को मजबूर है। रविवार को प्रातः 10 बजे 11,000 के तार के गिरने से पूरा गांव अंधकारमय हो गया। सूचना देने पर विभाग के कर्मचारियों ने लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया, परंतु बिजली को सुचारू नहीं कर पाए, इसे ग्रामीण विभाग के प्रति आक्रोश में है। जो लाइन जलता है तो वो लाइन 11,000 में फॉल्ट हुआ, वो फॉल्ट जो है तो फॉल्ट को मिस्त्री लोग सब आया, उसके बाद उसको बनाया नहीं, पूरा बस्ती इधर का लाइन को काट दिया। और वो तो विभाग जानेगा कि कौन कौन मिस्त्री भेजा था और कौन कौन आया था। तो उसके बाद हम लोग देख रहा कि इधर बस्ती वाला जो लाइन है वो तीनों फेज एकदम पूरा काट दिया और हम लोगों का पूरा गांव अंधेरा है और ऐसे दिक्कत में हम लोग जी रहा और क्या करें। और श्रमदान देता और हम लोग लाइन को श्रम हम लोग उन लोगों को साथ भी देने के लिए तैयार है और हम लोग का भी बिजली जले, यही हम मेरा बोलने का ये है। करीब 12 बजे के आसपास होगा तभी से लाइन नहीं है, वो तो पता नहीं, जैसे वो लोग फोल्ड हुआ तो काट देता है और उसके बाद वो लोग और कुछ बोलता ही नहीं, खबर भी गांव में नहीं करता कि ऐसे आप लोगों का फोल्ड हुआ, आप लोग भी थोड़ा मदद कीजिए, हम लोग इसको जोड़ देगा, इसका बारे में कभी नहीं बोलता। वो लोग आता है काट के चला जाता है। बोलने का मेरा यही अनुरोध है कि हम लोगों का बिजली जितना जल्दी हो सके अगर ये फोल्ड को बना दीजिए और जले, और इसमें ज़्यादा बोलने का मेरा कुछ नहीं। आपका नाम? त्रिलोचन महतो।